हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि कॉल ऑप्शन एक्चुअल में होते क्या हैं। हमने देखा कि कॉल ऑप्शन एक राइट होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्राइस पे बाय कर सके। जैसे कि हमने देखा था कि आपके पास जो रिलायंस का कॉल ऑप्शन था जो आपने 900 रुपये में ख़रीदा था, ये आपको क्या राइट देता था कि आप रिलायंस को 1 से लेकर 30 दिन के अंदर, मान लीजिए कि 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड था, वैलिडिटी पीरियड था, तो आप रिलायंस को 1 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी 900 रुपये में परचेज़ कर सकते थे। तो आप ये ट्रांजैक्शन कब करते? बिल्कुल जब मार्केट में रिलायंस की वैल्यू 900 रुपये से ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि आप तब 900 रुपये में परचेज़ करते और 900 रुपये से ज़्यादा जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसमें बेच देते। तो जब भी मार्केट में रिलायंस की प्राइस 900 से बढ़ेगी, आपकी कॉल वैल्यू की, आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। आज हम समझेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब रिलायंस 1300 पे गया था तो हमने 1300 का पुट ऑप्शन परचेज़ किया था और हम ये अज्यूम कर रहे थे कि ये वापस नीचे जाएगा। तो जब रिलायंस नीचे जाएगा तो आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि जब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो आप ये राइट बाय करते हैं कि आप कभी भी, मान लीजिए कि 1 से लेकर 30 दिन कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी पीरियड है, तो 1 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी रिलायंस को 1300 रुपये में बेच पाएंगे। तो मान लीजिए मार्केट में रिलायंस की प्राइस चल रही है 1300 रुपये और ये 1 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर 1300 ही रही, तो आपके पुट ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी? ज़ीरो, क्योंकि आप 1300 में लेंगे और 1300 में बेच देंगे। क्योंकि हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आपने 1300 में बेचने का राइट परचेज़ किया है, तो आप अगर उसको एक्सरसाइज भी करेंगे तो आप 1300 में उसको बेचेंगे और मार्केट से फिर आप उसको 1300 में ख़रीद लेंगे, तो आपको अल्टीमेटली कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसीलिए आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। मान लीजिए वो प्राइस बढ़ के 1500 हो गई, तो अब क्या होगा? आपके पास पुट ऑप्शन है, आप रिलायंस को 1300 में बेच पाएंगे। आप कोई चीज़ 1500 में परचेज़ करके 1300 में बेचना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इस सिनारियो में भी आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। थर्ड सिनारियो, जो कि हमारा डिज़ायरेबल सिनारियो है, रिलायंस की वैल्यू 1300 से घट के मान लीजिए 1200 हो गई, तो इस सिनारियो में आपके पास ये राइट है कि आप अभी भी रिलायंस को 1300 में बेच पाएँ मार्केट में 1200 में परचेज़ करने के बाद, तो अल्टीमेटली आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि आपका पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट पहले से ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के बारे में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।